अजिता तिवारी को धन्यवाद देता हूं। आप लोग जो फार्मर आया है, मुझे ये बात बोलना चाहता हूं कि आप लोग आज 3-4 घंटा इधर में बिताएगा, तो जाते जाते आपको इस मीटिंग से कुछ सीख के जाना है। ऐसा नहीं है आप बात सुने आया फिर शाम को चला गया, इससे बात नहीं बनेगा। आपको कुछ सीखना है और सीख करके अपना काम में लगाना है। मैडम तिवारी जी ने जो बोला है तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, आजकल लांगोल का जमाना खत्म हो गया। लांगोल का जमाना खत्म हो गया, अभी इसको मशीन से चलाना पड़ेगा। तो मशीन से हम लोग क्यों चला नहीं पाते हैं, वही बात मैडम बोल रहे थे। हम लोग आजकल क्या करता है, मारा तो हम लोग ऑटो रिक्शो से देता है कि नहीं, मारा देता है ऑटो रिक्शो से, तो एक मुचा में 10 रुपया करके लेता है। तो आप लोग कभी कभी फॉरेन का जो फार्मर देखता है, अकेले एक आदमी कितना फार्म करता है, क्योंकि उसका साथ मशीन है। तो इसीलिए आपको सोचना पड़ेगा, हम लोग स्वतः स्वतः फार्मर है, 2.6 जो बोला मैडम ने, इतना स्वतः स्वतः फार्मर है, तो हम लोग इतना स्वतः स्वतः किसी का जगह में कैसे करके हम लोग मशीन चलाएगा, इसको आपको सोचना है। ये सोचने में आपको जरूर लवमी लोग मदद करेगा। इसलिए जो भी बात मैडम तिवारी ने बोला है, इसके लिए हमारे मैडम को धन्यवाद देता हूँ। नेक्स्ट आया था हम लोग का डॉक्टर अरूप बर्मन, बहुत बोला है, बहुत आपको समझने लायक बहुत बातें किया है। मुझे विश्वास है आप लोग भी जरूर समझ लिया होगा। तो हम लोग क्या, पहले हम लोग ने भी सुना है, मणिपुर में भी अभी शुरू हो गया, जब खेती शुरू होता है तब उसमें मछली छोड़ देता है। ये अरुणाचल में भी बहुत होता था, खेती में जब आप लोग लगाता है उसमें पानी है, पानी में मछली छोड़ देता है, तो खेती जब बड़ा होगा मछली भी बड़ा होता है। इसीलिए एक काम को विभिन्न तरीका से आपको उपार्जन बढ़ाने का काम करना पड़ेगा, एक ही काम से नहीं चलेगा। क्योंकि अगर खेती का काम में फायदा नहीं होगा तो ये काम कोई नहीं करेगा, क्योंकि दुनिया में सबसे कठिन काम है कृषक का काम। इतना रौद में, इतना वर्षा में आप लोग को खेत में काम करना पड़ता है। तो इसीलिए खेती का काम जब तक इसको लाभदायक नहीं होगा, हम लोग इसको सबके बीच में ले आने नहीं सकेगा। इसीलिए हम ज़्यादा बात नहीं करना चाहता हूँ, आप लोग जितना भी बात किया है आज इसको समझिए, और आप लोग बात में आप लोग के बीच में भी बातें कीजिए। तो मैकेनाइजेशन जो बोला है मैडम ने, इसमें क्या होगा, जो हम मेरा जो समझता है, किशोर भाई को भी आगे निकल के आना पड़ेगा और सरकार को भी आना पड़ेगा। सरकार का पास काफ़ी स्कीम है, लेकिन किशोर भाई लोग इसको ले नहीं सकता है, उसको थोड़ा सरकार तो ऐसा तो नहीं देगा, उसको थोड़ा आयन कानून होता है, थोड़ा पदे भी होता है। आप सब ऐसा कर लेंगे तो आपको जरूर सरकार के तरफ से मशीन मिलेगा, वो भी सब्सिडी में मिलेगा। इसीलिए हम चाहता है आप लोग इसके बारे में सोचिए। और दूसरा जो बात बर्मन साहब ने बोला है, बहुत कुछ बोला है, ये एकदम सच्ची बात है। ज़्यादा दूर पंजाब और हरियाणा के बात छोड़िए, हम लोग जो इधर में नींबू खाता है, अभी हम सिंगरबन से लेगा तो 4 किलो नींबू में 10-15 रुपया लेगा, सिलचर में 30-40 रुपया लेता है। तो आप तो, आपका घर में 50 नींबू है, आप तो 50 नींबू लेके तो सिलचर तो नहीं जाएगा, क्योंकि आपको खर्च हो जाएगा। लेकिन इसको सब एक साथ करके कोई आदमी लेके जाएगा तो आपको भी लाभ होगा, उसको भी लाभ होगा। इसीलिए आप लोग का सोच में भी कुछ बदलाव आना चाहिए। खेती कर रहा हूँ खेती से चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा, थोड़ा उससे भी आगे सोच करके आप लोग का जो खेती का काम है इसको और ज़्यादा लाभदायक बनाइए। आप लोग इतना टाइम से हम लोग का जो वक्ता का बातें सुन रहे थे, इसलिए आप लोग का धन्यवाद। मैं ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए यही मेरा वक्तव्य शेष करता हूँ। धन्यवाद।